हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं नॉइस कैंसिलेशन के बारे में। जो भी इस प्रेजेंट टाइम में फोन आ रहे हैं, आप देख रहे होंगे यार, पिछले कुछ दिनों से फोन आ रहे हैं, उसमें डुअल माइक्रोफोन दिए जा रहे हैं। जो सेकेंडरी माइक जो माइक्रोफोन होता है वो क्या वर्क होता है उसका, इस बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। मैं हूँ प्रियांशु सिंह और हमारे चैनल हिंदुस्तानी 360 में मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो फोन आ रहे हैं जो डुअल माइक्रोफोन के साथ, आप देखते हो जो पहले के फोन थे उसमें जब आप भी कहीं भी जहाँ पे ज्यादा मतलब लोग रहते हैं, जहाँ पे आवाज ज्यादा होती है एक्सटर्नल वाले, जैसे आप रोड पे हैं या किसी भीड़ भड़के वाले एरिया में हैं, तो जो आपकी आवाजें थी वो क्लियर नहीं जाती थी, बहुत ही ज्यादा नॉइज आती थी। तो हम लोग को बोलना पड़ता था मैं अभी थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या, आप भी जब कहीं भीड़ भड़के एरिया में जाते हैं तो आप बात करते हैं तो बात हो जाती है, आप समझ पाते हैं कि अगला क्या कहना चाह रहा है और सारी चीजें आप अंडरस्टैंड कर लेते हैं, क्योंकि वो जो दो माइक्रोफोन है उसके कारण ये होता है, आप सुन पाते हैं। क्योंकि जो एक्सटर्नल वॉइसेस हैं, जैसे जो हमारे काम की नहीं है, जैसे बहुत तेज स्टॉर्म आ रहा है और जैसे बारिश हो रही है, तो आप कॉल पे हैं, तो इसमें क्या होता है, जो एक्सटर्नल वॉइसेस हैं वो आपको बॉदर करती हैं अगर आपके फोन में सिंगल माइक्रोफोन है। लेकिन अगर डुअल है तो वो जो नॉइस कैंसिलेशन का वो वर्क करती है, जो सेकेंडरी माइक है, तो वो जो एक्सटर्नल वॉइसेस है उन्हें हटा देती है। तो देखिए ऐसा ही बिल्कुल ईयरफोन में क्या होता है, जब भी आप देखते होंगे कुछ ईयरफोन्स होते हैं जो इसमें नॉइस कैंसिलेशन नहीं होता है, तो आप देखते होंगे जब भी आप चलते होंगे तो एक्सटर्नल वॉइस आपके ईयर में जाती है तो आपको अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, तो म्यूजिक में इंटरप्शन क्रिएट होता है तो मजा नहीं आता है। अगर नॉइस कैंसिलेशन वाली ईयरफोन है आपकी, तो आप देखते होंगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपकी जो एक्सटर्नल वॉइस है बिल्कुल ही आपके ईयर में नहीं जा रही है और आप मजे से आसानी से सुन रहे हैं, और जो बाहर की है वो जैसे कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या मतलब साउंड आ रही है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं। और जो साउंड है उसको आइए हम समझते हैं। आप लोग जानते होंगे कि साउंड की वेव कैसी होती है, तो देखिए साउंड की वेव ऐसी होती है। ये जो साउंड की वेव है, और जब भी आप एक्सटर्नल वॉइसेस इसमें ऐड होती हैं, जब भी आप कॉल या किसी पे बात करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, तो जो उसकी वेव होती है वो कैसी होती है ये देख लीजिए। तो कुछ इस प्रकार की वेव होती है। जो ये है ये नॉइज है, जो ये लाइनिंग आ रही है ये नॉइज है। अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके फोन में जो डुअल माइक्रोफोन होते हैं, जो पहला माइक्रोफोन होता है मतलब प्राइमरी, जो कि आपके आवाज को दूसरे तक पहुंचाता है, वो कैसे वर्क करता है ये देखिए। उसकी जो वेव होती है वो ऐसी होती है। ऐसी और जो नॉइस कैंसिलेशन मतलब सेकेंडरी माइक होता है, उसकी जो होती है वो ऐसी होती है। तो इसमें क्या होता है, तो ये जो सेकेंडरी है ये तो नॉइज कैंसिलेशन के लिए लगा हुआ है, और जो प्राइमरी है ये तो आपकी आवाज दूसरे तक पहुंचा रहा है, जहां भी आप बात कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, जो प्राइमरी माइक्रोफोन है और माइनस नॉइज जो सेकेंडरी है, उसको माइनस कर देंगे इसमें से, इसको घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा क्लियर साउंड। तो आप देखिए जब अब ये ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, जब साउंड क्लियर हो जाएगा, क्योंकि नॉइस कैंसिलेशन तो क्लियर करता है एक्सटर्नल वॉइसेस को, तो जो अब जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस प्रकार का होगा, क्योंकि जो नॉइज है उसे हटा दिया गया है नॉइस कैंसिलेशन जो माइक है उसके द्वारा। तो ये ऐसे ही ये वर्क करता है, तो ये सारी इसकी प्रोसेस थी। तो आप समझ पाए होंगे कि नॉइस कैंसिलेशन कैसे वर्क करता है, क्योंकि देखिए जो भी प्राइमरी माइक और सेकेंडरी माइक होता है, सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन है, उसमें से प्राइमरी जो माइक है उसकी वॉइस को घटा दीजिए तो आपको क्लियर साउंड मिलेगा। क्लियर साउंड मतलब जो नॉइस कैंसिलेशन कैसे वर्क करता है, वो क्लियर साउंड को प्रोड्यूस करता है, मदद करता है क्लियर साउंड प्रोड्यूस करने में। जैसे आप देखते होंगे ऑडियो रिकॉर्डिंग वगैरह सब में, इस समय प्रेजेंट टाइम में जो भी वीडियो ब्लॉगर हैं वो इस्तेमाल करते हैं, जो साउंड है वो कितनी क्लियर आती है। तो ये सारी चीजें थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर समझ में आया हो, तो कृपया लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जी धन्यवाद, और महाशिवरात्रि की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं।